हीरो हीरोइन को 5-स्टार होटल में रखा जा रहा है, हम लोग ऐसे होटल में रखा जा रहा है जैसे हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। मुझे यूज किया गया, 3 गाने मेरे थे, तीनों गाने में मेन जो हीरोइन है उनकी एंट्री करवा दिया गया, और मुझे बोला जाता है कि आप कोरस वाले के साथ डांस करो। मैं पागल हूँ, मैं कोरस वाले के साथ डांस करूँगी? ना मुझे पोस्टर भेजे, ना मेरा पोस्टर में फोटो है, ना मेरा कहीं कैप्शन में नाम है, तो मैं क्या बोलूँगी? आपने तो एक पैसे भी नहीं दिए। 10,000 में कोई हीरोइन काम करेगी आपके पास? कौन काम करेगी? एक तो बात करने की तमीज नहीं है कि कैसी है रे तू, तेरे बारे में जो जैसा बोलते हैं तू वैसी है क्या, तू देखना तो ऐसी। अरे ये कोई बात होती है करने की? फिल्म में काम करती हूँ, मेरा नामो नहीं जान हटा देते, और मुझे वैसे भी किसी की फिल्म में काम करके अपना नाम नहीं लेना है। ऑडियंस मेरी है, मुझे पहचान जाएंगी, मेरा काम देख के पहचानेंगी। ऐसा था कि मैं चुप रहती थी, अब मैं चुप रहने वाली हूँ नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे ग्रेटिट भी चाहिए। मुझसे बोला गया कि आकांक्षा आप पोस्ट डिलीट कर दो नहीं तो पंगा हो जाएगा। मैंने बोला क्या पंगा हो जाएगा, कौन मेरा क्या करेगा, आप बुला दीजिए जिसको जो भी करना हो मेरे से भिड़ ले। नहीं 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 तुमसे नहीं होगा, अरे राजकुमार जी को बोलेंगे लोग, ये नहीं वो नहीं, तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं बेटा मत करो। लेकिन मैडम अब थोड़े सवाल थोड़े सख्त होंगे वाले हैं। एक पोस्ट आपका इंस्टाग्राम पे देखा जाता है, एक आप भोजपुरी के मशहूर डायरेक्टर के ऊपर आप लिखते हैं कि हमें क्रेडिट तक नहीं दिया जाता है, फिल्म में काम करवाया जाता है, क्रेडिट भी नहीं दिया जाता है, पेमेंट भी नहीं किया जाता है, कुछ इस तरीके का एक पोस्ट आता है जी। सबसे पहले क्या है ये मामला, किस तरीके का है, राजकुमार पांडे का आप सीधा सीधे आप लिख रहे हैं, क्या है ये मामला, थोड़ा क्लियर कीजिए। हाँ ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने छेड़ा। देखिए राजकुमार जी को मैं बहुत इज्जत देती हूँ और आज भी दूंगी और देती रहूँगी, बट मुझे ये तकलीफ होती है कि मैं उस ठंडी में, मुझे बुखार हुआ था, सेट पे किसी ने मुझे मेडिसिन नहीं ला के दिया। मैं चिल्ला रही थी मुझे मेडिसिन चाहिए, बुखार में लतपत थी, बट मेरे डिमांड किसी ने नहीं पूरा किया। हीरो हीरोइन को 5-स्टार होटल में रखा जा रहा है, हम लोग ऐसे होटल में रखा जा रहा है जैसे हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। मुझे यूज़ किया गया, मुझे बोला गया 2nd लीड आपका काम है, मिली ओके। मुझे उन्होंने ना एकदम क्राउड आर्टिस्ट के जैसे यूज़ किया। 3 गाने मेरे थे, तीनों गाने में मेन जो हीरोइन है उनकी एंट्री करवा दिया गया, और मुझे बोला जाता है कि आप कोरस वाले के साथ डांस करो। मैं पागल हूँ, मैं कोरस वाले के साथ डांस करूँगी? ना खाना टाइम पे मिलता था, ना सोना टाइम पे मिलता था, कड़ी कड़ी रोटी ऐसे मिलती थी। पेमेंट मेरी पेमेंट से मैंने, मुझे बोले थे कि पेमेंट कितना लोगी, मैंने सर आपकी फ़िल्म कर लेती हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप दे दीजिएगा। तो इन्होंने, मैं बनारस में थी तो मुझे इन्होंने 10,000 रुपये भेजे थे। मैंने बोला सर ट्रैवलिंग का, तो गाड़ी में करके आई थी तो मुझे गाड़ी का 10,000 रुपये दिए। उसके बाद मुझे जाके वहाँ पे 10-15 दिन बैठाया गया, मुझे बहुत फ़ोन पे बोला गया अरे बेटा तुम्हारा ये रोल है, बेटा तुम्हारा वो रोल है, बेटा तुम ऐसा, तुम ही फिल्म में दिखोगी। जाने के बाद वहाँ पे पता चलता है कि मेरा कुछ रोल ही नहीं है, जो मुझे बोला गया था कुछ है ही नहीं उसमें। पोस्ट आप लोग डाल रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं, आपने पूरी टीम बनाई है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है आपने, सब सब सबको आपने दिया ना कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है आप इसको शेयर करो, आप पोस्टर वगैरह सब शेयर करवा रहे हो, सब आर्टिस्ट के नाम लिखे हुए, आकांक्षा दुबे के नाम क्यों नहीं लिखे गए हैं, आकांक्षा दुबे का पोस्ट क्यों नहीं है, आकांक्षा दुबे ने खुद क्यों नहीं किया, कोई रीज़न पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा मुझसे रीज़न, और ना मुझे पोस्टर तक भेजा गया। किसी ने मुझे पोस्टर पे, होता है ना कि नाम नहीं दिया गया है तो आर्टिस्ट को एक पोस्टर भेज देते हैं, ना मुझे पोस्टर भेजे, ना मेरा पोस्टर में फ़ोटो है, ना मेरा कहीं कैप्शन में नाम है, तो मैं क्या बोलूँगी? आपने तो एक पैसे भी नहीं दिए। 10,000 में कोई हीरोइन काम करेगी आपके पास? कौन काम करेगी? एक तो बात करने की तमीज नहीं है। जब बहुत मेरे साथ अन्याय होने लगा, मुझे हैदराबाद फिल्म करने जाना था, तो मैंने बोला सर मुझे जाना है, ये रोक रहे थे, नहीं नहीं रुको रुको बेटा रुको रुको बेटा नहीं रुको रुको बेटा, फिर भी मैं 1-2 दिन रुकी। जब मेरा वहाँ से फिल्म, अब मैं एक फिल्म के ऊपर डिपेंड नहीं करूँगी, मुझे इंडस्ट्री में हज़ारों काम करना है, बिल्कुल। तो मैं साउथ की मूवी करने जा रही थी, इन्होंने बोला कि रुक जाओ, मैं नहीं रुकी। मैं दूसरे दिन का फ्लाइट, मैंने प्रोड्यूसर को साउथ वाले को फ़ोन किया, मैंने सर आप मेरा टिकट करा दीजिए, उन्होंने मेरा टिकट कराया, और सडनली इनका फ़ोन आता है एयरपोर्ट पे, मैं थी लखनऊ एयरपोर्ट पे, कि कैसी है रे तू, तेरे बारे में जो जैसा बोलते हैं तू वैसी है क्या, तू देखना तो ऐसी। अरे ये कोई बात होती है करने की? आप इतने साल से काम कर रहे हैं, इतने आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है, एक आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट दीजिए ना।
आप जब एक आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो आप अपने घर में किसको रिस्पेक्ट देते होंगे? आपकी भी बहन बेटी हैं, आपके भी घर में आपके भी बेटे हैं, आप किसी से रिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे तो कोई कैसा रिस्पेक्ट देगा? मुझे यही था, मुझे दुख यही था कि मेरा पोस्टर में नाम क्यों नहीं। और ये एक ऐसे डायरेक्टर नहीं है, ऐसे बहुत लोग ने मेरे साथ किया है कि मैं फिल्म में काम करती हूँ, मेरा नाम होने जान हटा देते। और मुझे वैसे भी किसी की फिल्म में काम करके अपना नाम नहीं लेना है, ऑडियंस मेरी है, मुझे पहचान जाएंगी, मेरा काम देख के पहचानेंगी। मुझे आप नाम मत नाम दो, ना वो नाम दे, मैंने अपना इंडस्ट्री में खुद नाम बनाया हुआ है, मुझे किसी की नहीं वो है। और मैंने इसके लिए पोस्ट किया, मैंने बोला कि मैं अब फोन पे कितना इंसान बात करेगा। अच्छा एक बात बताइए मैडम, जिस तरीके से जब आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, तो जाहिर सी बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के रिएक्शन आए होंगे, जाहिर सी बात है पर्सनल कॉल से आए होंगे। क्या आपके पास कुछ ऐसा कॉल आया है या फिर आएगी मत लिखो यार आकांक्षा बंद कर दो, क्या कुछ विवाद हो सकता है कुछ इस तरीके से? क्योंकि उम्दा ये चीज़ें होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्या आपने जब पोस्ट डाला, क्या उसके बाद आपके ऊपर कोई रिएक्शन आना चालू हुआ? हाँ, मैंने पोस्ट डाला, उसके आधे एक घंटे के बाद मुझे राजकुमार जी का ही फ़ोन आया, धड़ाधड़ धड़ाधड़। उनके नंबर मेरे पास सेव नहीं थे, बिकॉज मैंने न्यू फ़ोन लिया था, और मेरे पास बहुत से ऐसे भोजपुरी हैं इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिनके नंबर नहीं है। तो उनका फ़ोन आया और मैं फ़ोन पर बात कर रही थी अपनी मम्मी से, तो मैंने होल्ड पर रखा और मैंने फ़ोन उठाया तो बोलते, अरे बेटा बाबू बच्चा क्या लिख रही हो तुम मेरे बारे में, आकांक्षा क्यों लिख रही हो? मैंने, सर जो है मैं वो लिख रही हूँ, मैं कुछ अनगढ़ कहानी नहीं बता रही हूँ। मैं और आर्टिस्ट के जैसे नहीं हूँ कि मुझे टीआरपी चाहिए लोगों से, मुझे जनता से टीआरपी कुछ मुझे नहीं चाहिए। मैंने उनके पोस्ट, मैंने बोला हाँ सर मैंने लिखा है, आपने जो मेरे साथ किया है मैंने वही लिखा है। तो मुझे बोलने लगे, नहीं बेटा मैंने तुमको किस चीज़ की कमी दी? मैंने उनको बोला सर ऐसे ऐसी बात है, बोले मेरे पोस्ट पर जाके देखो तुम्हारा मैंने नाम नहीं डाला है। मैंने बोला सर मैंने तो देखा नहीं आपके पोस्ट पर। ये सब होने के बाद इनका फ़ोन कट होता है, इनसे मेरा हुआ बहसबाजी हुआ जो भी हुआ, फिर मुझे उन्हीं के ग्रुप में से फ़ोन आता है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने हाँ बोलिए, बोलते बेटा क्यों कर रही हो ये सब? मैंने क्यों कर रही हूँ, आप लोग क्यों बोल रहे? तो बोलते नहीं हमारी टीम है, हमारे सर्कल के हैं वो, और हम लोग सब साथ हैं एक। वो कौन से शख्स हैं जिनका आप नाम नहीं बताना चाह रहे? अब देखिए अब नाम बता दूंगी तो फिर ये हो जाएगा कि आपने मेरा नाम ले लिया। उन्हीं की टीम है, उनकी टीम कितनी है, कौन कौन है उनकी टीम में, आप खुद अंदाजा लगाइए। जो इंडस्ट्री के हमारे जो जनता है जो जानते होंगे, जितनी एक्ट्रेस है एक्टर हैं सब देखे होंगे, उनको पता होगा कि मैं उनकी टीम में कौन कौन है। तो मुझे फ़ोन आया गया, आकांक्षा पोस्ट डिलीट कर दो यार, अच्छा नहीं लग रहा है, वो बहुत तारीफ़ करते हैं, हम लोग बहुत तारीफ़ करते हैं तुम्हारी, हम लोग चाहते हैं तुमको ये फिल्म में लेना, अभी जून जुलाई में वो सब अपनी बातें करने लगे। फिल्म में लेना है, पैसा नहीं देना है, बताना नहीं देना है ना, फ्री में मेहनत किए जाओ। हाँ पहले देख कैसा ऐसा था कि मैं चुप रहती थी, अब मैं चुप रहने वाली हूँ नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे ग्रेटिट भी चाहिए। मुझसे बोला गया कि आकांक्षा आप पोस्ट डिलीट कर दो नहीं तो पंगा हो जाएगा। मैंने बोला क्या पंगा हो जाएगा, कौन मेरा क्या करेगा, आप बुला दीजिए जिसको जो भी करना हो मेरे से भिड़ ले। नहीं 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 तुमसे नहीं होगा, अरे राजकुमार जी को बोलेंगे लोग, ये नहीं वो नहीं, तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं बेटा मत करो, मैं तुमसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है, मैंने टिक टिक करके फ़ोन काट दिया, और मैं वो पोस्ट अभी डिलीट करूँगी जब मुझे क्रेडिट मिलेगा, जब मुझे मेरा पैसा मिलेगा तभी। और कल की बात रही, कल चिंटू जी ने मुझे इंस्टाग्राम पर टैग किया, उसमें कैप्शन में जो जो लिखा था वहाँ नीचे को स्टार @ आकांक्षा दुबे जो डाले हैं ऑफिशियल मेरा चैनल का और मेरा इंस्टाग्राम का डाल के मुझे टैग किया। मैंने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया, मैं क्यों करूँ जब मैंने इतना बवाल कर दिया तब आप लोग वो कर रहे हो कि आप लोग मुझे मनाना चाह रहे हो कि आकांक्षा शांत हो जाए। मैं नहीं शांत होने वाली हूँ, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जो मेरे साथ करते हैं, मैं उनके बारे में भी खुलासा करूँगी बाद में जब वो टाइम आएगा। अब जिनका टाइम आया था मैंने उनके टाइम भी खुलासा कर दिया। पिक्चर रिलीज़ हो रही है ना, क्या रिलीज़ हो गई है, हुई है कि नहीं हुई है पिक्चर? फिल्में रिलीज तो हो गई है यूपी में, लेकिन समझ में नहीं आता है कि फिल्में कौन देखता है, मुझे यही नहीं पता है। यदि आप देखते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने फिल्म देखा है। भाई मैंने नहीं देखा है, मैं ना देखी हूँ ना देखूंगी, मैंने काम किया है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ मैं नहीं देखूंगी वो फिल्म। अब मैं तो यही विश करूंगी कि भगवान करे कि मेरे साथ जैसा हुआ है ना सामने वाले के साथ भी वैसा करे। फिल्म चले ना चले उसकी जिम्मेदारी ना मैं लूंगी, जिसने बनाया वो करे, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिला है ना मैं वो पोस्ट डिलीट करूंगी, चाहे कितने लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं किसी का सुनती नहीं हूँ,
मैं अपने घर में एक मेरी माँ का सुनती हूँ और खुद का सुनती हूँ, ना कोई डायरेक्टर, ना कोई प्रोड्यूसर, ना कोई हीरो, ना कोई हीरोइन, ना मैं किसी से बातचीत करती हूँ जा कोई हीरो हुआ चाहे कोई हीरोइन हुआ। मेरे को तो पहली बात तो किसी आर्टिस्ट से मतलब ही नहीं रखना, मुझे मेरे काम से मतलब रखना है। बिन पहनी के लोटे यहाँ सब है, चाहे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो हीरोइन हुए, आपकी बात निकालने के लिए खे करके बात निकलवा लेंगे, फिर बोलेंगे वो तो ऐसा बोल रहा था, तो ऐसा बोल रही थी। यही लोग ऐसे होते हैं हमारी इंडस्ट्री के, हीरो हीरोइन डायरेक्टर प्रोड्यूसर।